पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। नया फॉर्म जो है वो यहाँ पे खुलकर सामने आ गया है, ठीक है। पुराना जो फॉर्म था उसे बदल दिया गया है, अब नए तरीके का फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है और इसी फॉर्म को आपको भरना है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, आपका लिंक यहाँ पे खुल गया है। जैसे मैं यहाँ पे फिल करके बताऊंगा उसी तरीके से आपको फिल करना है। जो पहले से फॉर्म फिल किए थे उन्हें अब फिर से फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि पूरा जो है आपका स्ट्रक्चर ही फॉर्म का चेंज कर दिया गया है। जो पहले आपका स्ट्रक्चर था वो आपका स्ट्रक्चर नहीं रहा, देख सकते हैं बिल्कुल नए तरीके से खुल रहा है। पहले जो आपका रेड टाइप का खुलता था अब बिल्कुल फॉर्म यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो अब जो है फिर से आपको जो विद्यार्थी यहाँ पे फिल कर चुके थे उन्हें भी अब फिर से यहाँ पे फिल करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल करूँगा, फोटो अपलोड का सेक्शन भी जो है वो आपके स्क्रीन पे सामने ही रखा गया है, पहले जो है बाद में रखा गया था। तो बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे फॉर्म जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है और इसी तरीके से आपको फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ बिल्कुल गलती नहीं करना, क्योंकि गलती करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी और फिर आप बोलोगे सर मेरा फिर से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो जो पहले फॉर्म भर चुके थे उन्हें फिर से यहाँ पे फॉर्म भरना, यानी कुल मिलाकर सभी को फॉर्म जो है वो फिर से एक बार भरना होगा, ठीक है। भले ही आपका पेमेंट हो गया हो या नहीं हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से आपको लॉगिन करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फॉर्म का फॉर्मेट ही यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसे बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो आपको गूगल में बिहार हेल्प इस तरह के सर्च करना है और यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे जाना है। एडमिशन सेक्शन पे सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, 11th एडमिशन पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबको आपको फिर से यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अगर आपका पेमेंट हो गया है तो पेमेंट आपका वापस हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। फिर से आपको अप्लाई करना है, रीअप्लाई शुरू हो गया है सभी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे जाना है, ठीक है। पहले का जो लिंक है वो यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इस लिंक पे आपको अब यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए फटाक से आपका ये जो लिंक है वो यहाँ पे खुलेगा। अब आपको नीचे की ओर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो इस पर आपको फाइनली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे देखिए कितना फास्ट खोल रहा है। क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको पढ़ लेनी है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर का है आवेदन करने हैं तो क्लिक करें, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है खुलकर सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, आपका एक मिनट भी ले सकता है कभी कभी खुलने में, ठीक है। 2023-25 लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आपका कौन सा बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर जिस साल पास किए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर एनुअल है तो एनुअल रखेंगे, अगर कंपार्टमेंटल है तो कंपार्टमेंटल रखें। मैंने एनुअल यहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है पहले आपको यहाँ पे ईयर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आपको ईयर जो है वो आपके कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2007 ईयर सेलेक्ट किया, जो आपका ईयर है वही आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रोल कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो एक एक स्टेप में यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपका JPG, PNG या JPEG फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करके आप जो है जो भी आपकी गैलरी में फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले ध्यान से रखेंगे कि फोटो सही अपलोड कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसका पासिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे पहले से अपलोड है, आपका फुल मार्क्स 500 वो आप यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है। आपका कितना मार्क्स आया वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो पहले जो है फिल करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे फिल पहले से ही है। उसका विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको डालना है कि आपके विद्यालय का क्या नाम है, ठीक है। विद्यालय का नाम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद एड्रेस डालना है स्कूल का, जिस स्कूल में आपका जिला में नामांकन है वो आपको डालना है। सब कुछ यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आप किस साल उस विद्यालय छोड़ेंगे वो सभी यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेते हैं। रिलीजन में हिंदू आपको डाल देना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप भी डाल सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार का पता में जिला वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से जिला से है, ब्लॉक क्या है आपका, हाउस नंबर क्या है, वो सभी यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ,
ठीक है, जो जो यहाँ पे मांगा जा रहा है वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है, ग्राम पुलिस थाना, ठीक है, ये सभी आपको फिल कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह आपको डाल लेनी है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद बगल में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर दिया है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन शो होगा, तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आपको जो है वो अपना जाति यहाँ पे चूज करना है कि आप किस जाति के हैं, ठीक है। तो जाति यहाँ पे जो भी आपका जाति है SC ST OBC वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोला गया दिव्यांग नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, है तो है पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिस जिले कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसको चुनिए, आप किस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि आप जिस जिले में उसी जिले में लेना चाहेंगे तो आपका सेम जिला यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम चूज करना होगा, जिसमें बोला गया है कम से कम 10 या अधिक से अधिक 20 कॉलेज का चयन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज चूज करने की बात यहाँ पे बोलेगी, स्ट्रीम यहाँ पे मैं साइंस सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फिल करना है। तभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन आएगा कि सेकेंड ऑप्शन में कौन सा कॉलेज आप रखना चाहते हैं, उसी तरीके सेकेंड ऑप्शन, उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन, उसी तरीके से आपको टेंथ ऑप्शन तक यहाँ पे क्लिक कर लेना। ध्यान रखेंगे कॉलेज और स्कूल का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप वैसे कॉलेज का ही चयन करें जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। पहले तीन कॉलेज और स्कूल जो है काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। बाकी के जो सात होते हैं उनसे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। फिर भी यहाँ पे 10 दिया गया है तो आप 10 यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। चाहे तो 20 भी चूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे मैंने 11-12 करीब यहाँ पे मैंने चूज कर दिया। उसके बाद इतना करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, 350 रुपया आपका पेमेंट लगता है, ठीक है। तो 350 रुपया पेमेंट के लिए आपको पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना हो। क्लिक करेंगे तो जो भी आप फॉर्म फिल किए हैं एक बार आपके सामने आ जाएगा, उसे आपको चेक कर लेना और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कन्फर्म हो गया कि आपने जो है वो इतना फॉर्म इसे फॉर्म फड़ा है। देखिए 10 कॉलेज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, 10 कॉलेज आपको दिख जाएगा कौन कौन सा कॉलेज जो है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद फाइनली आपका पेमेंट का गेटवे खुलेगा। तो यहाँ पे आप ATM कार्ड से या UPI मेथड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लिया हूँ। पेमेंट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कैंसिलेशन, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आप जो है प्रिंट जो है वो कर सकते हैं और पेमेंट का जो ऑप्शन जिस मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस मेथड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा। और इस तरीके सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। पेमेंट कर लेने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। एक बार फिर से आपको लॉगिन करना होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका डाले थे और जो आपका पासवर्ड आया था उसको डालकर आपको एक बार फिर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। कैप्चा कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो आइए एक बार फिर से लॉगिन होते हैं ताकि फॉर्म जो है वो यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लें कैसा फॉर्म है। तो ये आपका फॉर्म जो है वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा, यही आप फॉर्म यहाँ पे फिल किए थे, ठीक है। देखिए जो भी डिटेल्स आप डाले थे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो करने लगे हैं, कौन कौन से कॉलेज आपने डाले हैं, ठीक है, और कौन कौन सा स्ट्रीम जो है आपने यहाँ पे चयन किया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पेमेंट कैसे आपने किया है सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इतना कर लेने के बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो यहीं पे आके आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा जो कि आपका मेरिट लिस्ट के टाइम आएगा और उसे ही लेकर कॉलेज आपको जाना होगा। तो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आए सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।